सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते ओमपुरी, फफक फफक कर रोकर आंसू बहाते ओमपुरी, प्रायश्चित में डूबे ओमपुरी, शहीद का सम्मान करते ओमपुरी। ओमपुरी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा के उसी गांव की है जहां के शहीद नितिन यादव पर 15 दिन पहले उन्होंने बेहद विवादास्पद बयान दिया था। नितिन यादव की शहादत पर ओमपुरी ने पूछा, किसने कहा था शहीद जवान को फौज में भर्ती होकर शहीद होने को। ओमपुरी के इस बयान पर उनकी तीखी आलोचना हुई। ओमपुरी के इस बयान का समर्थन न उनको जानने वालों ने किया न उनके साथ काम करने वालों ने। सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक ओमपुरी के इस बड़बोलेपन का मजाक सबने उड़ाया। हर तरफ मजाक उड़ने लगा तो 15 दिन बाद ओमपुरी को ज्ञान आया और वो शहीद के गांव श्रद्धांजलि सभा में पश्चाताप करने पहुंच गए। 15 दिन बाद ओमपुरी को समझ में आया कि देश के लिए शहीद होने वालों का मजाक नहीं उड़ाया जाता बल्कि सम्मान किया जाता है। ओमपुरी को अपने कहने पर इतना पछतावा हुआ कि उनकी आंखों से आंसुओं ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। हवन के दौरान भी वो रोते हुए दिखे। हवन के बाद ओमपुरी ने अपने बयान के लिए शहीद के परिवार वालों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। मीडिया से भी ओमपुरी ने कहा कि उन्होंने सोच समझ कर कुछ नहीं कहा बल्कि अनजाने में उन्होंने वो बात कही। मेरा यहाँ आने का लक्ष्य सिर्फ परिवार से मिलना था, गांव वालों से मिलना था और मैंने जिस जवान का अपमान किया एक सेंटेंस बोल के वो बहसबाजी में, वो दिल से तो नहीं निकला था लेकिन मुंह से जरूर निकला, गले से जरूर। ओमपुरी को यूं माफी मांगता दे शहीद परिवार वालों ने भी बड़ा दिल दिखाया और उन्हें माफ कर दिया। उद्देश्य प्रायश्चित को प्राप्त करना कि हमारा जो प्रायश्चित है, वैसे भी हम अध्यात्म जाते हैं तो हमसे जो गलती होती है, प्रभु से जो गलती होती है तो हम प्रभु से प्रायश्चित करके ही उससे मुक्त हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई स्थान नहीं। जिस तरह से ओमपुरी जी ने कहा कि वो आपके परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, आप लोगों ने स्वीकार किया है उसको? जी, सब लोगों ने स्वीकार किया, सब लोगों ने कहा कि हाँ। ओमपुरी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं लेकिन शहीद जवान पर दिए गए उनके बयान के बाद उन्हें चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही थी। उम्मीद है कि ओमपुरी के ये आंसू फिल्मी नहीं असली होंगे। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।